नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री फसल बीमा से संबंधित चर्चा करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि बीमा कौन कौन करवा सकते हैं और प्रीमियम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और रबी 2023-24 के लिए अधिसूचित फसलें कौन कौन सी हैं और बीमा कराने का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सबसे पहले रबी के लिए जो अधिसूचित फसलें हैं वो हैं, देखिए आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2023-24 के लिए अधिसूचित फसलें गेहूँ, चना, जौ, सरसों, तारामीरा, जीरा, धनिया, इसबगोल, मेथी, रबी, मक्का, ये जो है फसलें हैं वो अधिसूचित फसलें हैं। और उसके बाद में बीमा यानी इस योजना में भाग कौन कौन ले सकता है, तो आप देखिए इसके अंतर्गत एक वो किसान जो कि ऋणी है, जिन्होंने बैंकों से ऋण ले रखा है, उनका बीमा ऑटोमेटिक, उन्होंने जिस समय केसीसी ली थी और उसमें जो फसलें लिख के दी थी गिरदावरी में, तो उन फसलों के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से बैंक उनका बीमा करेगा और उनके खाते से प्रीमियम को काट देगा। दूसरा है गैर ऋणी, गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। बटाईदार कृषकों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि कृषक जिस जिले में रहता है उसी जिले की प्रति क्षेत्र में बटे भूमि मान्य होगी, यानी कोई ट्यूबवेल इजारे लेके और अपना बीमा कराना चाहता है तो वो उसी जिले का होना चाहिए, दूसरे जिले का आकर के और दूसरे जिले में जा कर के और बीमा नहीं करवा सकता है। अब देखिए ये बताते हैं कि इस प्रति कृषक ऋणी कृषक जो भी किसी भी बैंक में जिन्होंने बीमा केसीसी लिया हुआ है वो बैंक उनकी फसलों का बीमा करेंगे। और ये जो है रबी फसलों के लिए 31 दिसंबर तक बीमा होगा, चाहे वो ऋणी किसान है और गैर ऋणी है। ऋणी है तो बैंक करेगा, गैर ऋणी है तो उसको बाहर जो भी सीएससी सेंटर है या ई मित्र है या सभी प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर जा कर के और अपना बीमा करवा सकता है। अब देखिए जिन किसानों ने केसीसी ले रखी है तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्लोज इन्होंने दिया है। देखिए यद्यपि कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना पूर्णतः स्वैच्छिक है, यानी किसान चाहें तो बीमा करवा सकते हैं और नहीं करवाना चाहें तो कोई भी सरकार या बैंक की तरफ से ज़बरदस्ती नहीं है, किंतु ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिए नामांकन की अंतिम दिनांक से 7 दिवस पूर्व, यानी वो बीमा नहीं करवाना चाहता है तो उसको जो बीमा होने की तिथि है उसे 7 दिन पहले यानी 24 दिसंबर तक बैंक में एक घोषणा पत्र जिसमें वो प्रार्थना पत्र लिखेगा कि मैं इस बार अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहता हूँ, इस तरह का लिख के देगा तो बैंक जो है उसका बीमा नहीं करेगा, नहीं तो बैंक ये समझेगा कि उक्त किसान का बीमा करना है। ऋणी कृषकों का प्रीमियम उनके ऋणी खाता से ही वसूल किया जाएगा, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब आता है गैर ऋणी एवं बटाईदार कृषक। गैर ऋणी ऐसे कृषक होते हैं जिन्होंने कि बैंक से ऋण नहीं लिया होता है, वो बाहर अपना प्रीमियम देके और बीमा करवाते हैं। गैर ऋणी कृषकों को योजना में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक दस्तावेज यथा यानी उनको जमाबंदी और बैंक खाता, आधार कार्ड की प्रति एवं राज्य सरकार द्वारा चाहे अन्य दस्तावेज यानी पहचान पत्र और जमाबंदी और उन्होंने जो अपना एग्रीमेंट करवा रखा है वो इसमें जरूरत पड़ेगी। दूसरे गैर ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा नामांकन अंतिम दिनांक खरीफ 31 जुलाई ये उसके लिए खरीफ के लिए और 31 दिसंबर तक निकट के केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सब बैंक वगैरह इतना जल्दी आपका बीमा नहीं करेंगे गैर ऋणों का, इनको सीएससी सेंटर, एक होता है ई मित्र और ई मित्र के साथ में जो ग्राहक सेवा केंद्र होता है वहाँ पर बीमा हो जाएगा, तो वहाँ जाके आपको बीमा करवाना है। आगे चलते हैं इम्पोर्टेंट जो नियमों की तरफ। अब देखिए यहाँ पर ये बताया है कि गैर ऋणी कृषकों के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो क्या क्या होगा। गैर ऋणी कृषकों फसलों का बीमा करवाया जाने तो आवश्यक दस्तावेज, जो पहला है गैर ऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज, राज्य जिन जिलों के गाँवों में लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा चुका है, यानी कि जहाँ पर जमाबंदियाँ ई जमाबंदी है, भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल पोर्टल बीमा से किया जा सके अपना खाता, ये नहीं कि अपना खाता पोर्टल से या आप ई जमाबंदी जो डाउनलोड कराते हैं तो उसमें ई जमाबंदी डाउनलोड की गई है और इस वजह ई जमाबंदी निकाल के
और स्व प्रमाणित जमाबंदी की नकल मान्य होगी। जिन जिलों के गांव लैंडगढ़ बासरकर राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल यानी जो जहां पर ई जमाबंदी नहीं है वहां पर आपको पटवारी से सत्यापित कराना होगा प्रमाणित, तो एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र जिसमें अब एक इसमें क्या होता है फसल का जो होता है वो इसमें डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट यानी घोषणा पत्र लगता है जिस इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा कि उसमें वो लिखेगा कि जिसमें प्रत्येक खसरा संख्या का कुल यानी उसमें वो एक फॉर्मेट होता है उसमें खसरा नंबर लिखेगा और वो अपने कितने हेक्टर में कौन सी फसल का बीमा करवाना चाहता है वो लिखेगा और उसके बाद में वो एक तारीख ले गएगा जिस तारीख को बीमा उसने करवाया है। अब देखिए गैरनी कृषकों को आधार क्रमांक बैंक खाता संख्या बैंक शाखा का नाम और उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा स्वयं के खाते की पासबुक की प्रति उपलब्ध करवानी होगी यानी जब वो बीमा करवाएगा तो उसको एक जमाबंदी चाहिए होगी, एक आधार कार्ड और एक फसल का घोषणा पत्र और IFSC कोड के साथ में बैंक खाते की पासबुक की प्रति जिसमें जो खाता नंबर वो देना चाहता है। उसके बाद में बटाईदार कृषक अपने संबंधित खातेदार से लिखित में ये शपथ पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा कि उस खातेदार के द्वारा जमीन बटाई पर दी गई है जिसमें संबंधित कृषि भूमि का विवरण शामिल हो यानी कि जो एग्रीमेंट है वो भी इसमें अपलोड होगा। बटाईदार कृषक सभा का राजस्थान का एक मूल निवास जमाबंदी से पता चले जाएगा। जिस कृषक से बटाई पर जमीन ली गई है उस कृषक का तथा जो कृषक फसल का बीमा करवा रहा है उन दोनों कृषकों के सभी द्वारा सत्यापित आधार कार्ड की प्रस्तुति प्रस्तुत करनी होगी। समस्त गैर ऋणी कृषकों द्वारा प्रस्तुत समस्त आवेदनों में संलग्न दस्तावेजों की जांच निम्नलिखित समिति द्वारा की जाएगी। अब ये जो दस्तावेज होते हैं इनकी जांच की जाती है, जो भी बटाई या इजारे पर जमीन रहता है तो बीमा करने में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीमा हो जाएगा, लेकिन बीमा हो जाने के बाद में कंपनी उनका वेरिफिकेशन करवाती है। इसमें कौन कौन होते हैं, पटवारी होता है, कृषि विभाग का सहायक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक होता है और एक बैंक का प्रतिनिधि होता है। ये लोग क्या करते हैं कि जिन किसानों ने जमीन इजारे पर ली है उनकी जाँच करते हैं कि वास्तव में इसने इजारे पर ली है या ये फर्जी दस्तावेज है। अब बीमित फसलों के नाम में परिवर्तन ये एक ऋणी किसानों के लिए है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के परिचालन मार्गदर्शिका के प्रावधान में समस्त नामांकित ऋणी कृषक नामांकन की अंतिम तिथि से 2 दिन पूर्व तक बीमित फसल के नाम में परिवर्तन करा सकते हैं यानी कि जिन किसानों ने अपना जो लिया था ऋण उस समय जो फसलें गिरदावरी में लिख के दी थी उसी हिसाब से बैंक बीमा करता है। यदि ये अपनी उन फसलों में परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो इनको एक बैंक में लिखित में प्रमाण पत्र देने होगा कि मैं जो हूँ फसल जो है वो बदली करना चाहता हूँ, इस आशय का उनको प्रमाण पत्र बैंक में देना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये बोलते हैं कि योजना के क्रियान्वयन वेतन चयनित बीमा कंपनी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य के 33 जिलों को 10 क्लस्टर में विभाजित कर प्रत्येक क्लस्टर के लिए अधिसूचित की गई बीमा कंपनी का विवरण नियम अनुसार है यानी इन्होंने क्या किया है कि 10 जो कंपनियां हैं 10 जिलों को 10 क्लस्टर में बांट के और बीमा कंपनियां क्लस्टर वाइज हैं। पहला क्लस्टर है स्वरूप भरतपुर राजसमंद, यहां पर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है और हम बात करें जोधपुर दौसा बारा तो यहां पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी कार्यरत है। आगे बात करेंगे कि इन जोखिम को किस तरह से निर्धारित किया गया है। देखिए जोखिम अपवाद एवं प्रीमियम दर की गणना ये इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए परिचालन मार्गदर्शिका में वर्णित नियमानुसार जोखिम हेतु बीमा आवरण उपलब्ध है। कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम या परिस्थितियों में बुआई नहीं होने की स्थिति में यानी कि वर्षा कम होती है या बिल्कुल ही वर्षा हुई नहीं है तो ये जोखिम में आएगा। और दूसरा जो पॉइंट ये बता रहे हैं कि खड़ी फसल में बुआई से कटाई यानी खड़ी फसल का मतलब है कि बुआई से लेकर कटाई तक सूखा लंबी सूखी अवधि बाढ़ जल प्लावन कीट व्याधि भूस्खलन बिजली गिरने से प्राकृतिक आग तूफान ओलावृष्टि और चक्रवात के कारण उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा यानी ये सब चीज़ें से फसलें नष्ट होती हैं तो आपको क्लेम के लिए आप दावा कर सकते हैं। अगला आता है कि फसल कटाई उपरांत यानी फसल जो कट गई है फसल कटने के
14 दिन तक फसल कटे उपरांत सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी गई फसलों को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान के लिए कटे उपरांत अधिकतम 14 दिन की अवधि के लिए है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट है, फसल कटाई उपरांत सूखने के लिए, फसल को काटने के बाद में, काटने से 14 दिन के अंदर तक बारिश होती है और फसल नष्ट होती है, तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो पिछली खरीफ के अंदर जो हुआ था सिनेरियो, उन्होंने सिर्फ इनका ही सर्वे किया है, उससे पहले किसी भी प्रकार का जोखिम उन्होंने शामिल किया ही नहीं। ये गाइडलाइन है, लेकिन उन्होंने ग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं किया। आगे आता है कि रबी के लिए समस्त अधिसूचित फसलों में जिलों के लिए जोखिम स्तर पर 80% निर्धारित किया गया है। अब ये कई चीज़ें हैं जो रेयर ऑफ केस में होती हैं। अब आता है प्रीमियम की गणना। ये मैं आपको प्रीमियम यानी खरीब, रबी या वाणिज्यिक फसलें जो खरीब हैं, जितना उसका बनता है कुल बीमा उसका 2% और रबी में 1.5% और जो मसाले फसलें जैसे जीरा आता है तो उसमें 5% प्रीमियम किसान से लिया जाता है। इसकी हम आगे और बात करेंगे। सिंचित एवं असिंचित श्रेणी के जिले सूची संख्या, ठीक है। दवा क्षतिपूर्ति के भुगतान, चयनित बीमा कंपनी प्रभावित कृषक को। अब देखिए सवा दवा क्षतिपूर्ति, ये बोल रहे हैं कि जो चयनित कंपनी है जिसकी हमने अभी बात की थी, चयनित बीमा कंपनी प्रभावित कृषकों को दवा क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए योजना की परिचालन मार्गदर्शिका में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार जिम्मेदार होगी योजना के हितधारकों के लिए दायित्व। तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के समस्त हितधारक कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यानी गाइडलाइन के हिसाब से ये चीज़ें उनकी चर्चा की है, जो हमारे इतना समझने के लिए है नहीं। अब देखिए ये बता रहे हैं कि क्या करेंगे, किस आधार पर उनका जो फसलों का है वो निर्धारण करेंगे। तो देखिए भारत सरकार द्वारा वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम विंड्स की गाइडलाइन के अनुसार राज्य में स्वचालित मौसम केंद्रों तथा स्वचालित वर्षा मापी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। विंड्स अब ये कह रहे हैं कि जब प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत वर्षा मापी और मौसम सूचकांक यंत्र लगाएंगे, उसके जो सूचना होगी उसी से टैली किया जाएगा कि अगर कोई किसान दावा करता है कि फसल कटने के बाद में कल या परसों उसकी बारिश से फसल खराब हुई है, तो बीमा कंपनी उस दिन टैली करेगी कि जो वहाँ पर जो वर्षा मापी यंत्र लगा हुआ है उसके अनुसार वहाँ वर्षा हुई है या नहीं हुई है, तो उसको कैलकुलेट किया जाएगा, नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सर्वे नहीं किया जाएगा। ये थे कुछ गाइडलाइन के पॉइंट। और अब हम पोर्टल पर जाके देखते हैं कि बीमा की जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से की जाती है। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्ट, तो यहाँ पर हम रबी को सिलेक्ट करेंगे और ईयर है 2023-24, स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा, स्टेट हम राजस्थान की बात करेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेंगे हम यहाँ पर जोधपुर। अब देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं जीरा, ये वाणिज्यिक फसल में आता है। अगर आप एक हेक्टर का बीमा करवाना चाहते हैं तो आपको जो प्रीमियम कैलकुलेट होकर आएगा वो है, ये देखिए प्रीमियम पेड बाय फार्मर, किसान को 6,302 रुपये एक हेक्टर का बीमा करवाने के लिए प्रीमियम देना होगा। प्रीमियम पेड बाय गवर्नमेंट, और इतना ही गवर्नमेंट देगा, यानी कंपनी को कुल 12,000 कंपनी को जो मिलेगा प्रीमियम वो यहाँ से भी मिलेगा, और जितना प्रीमियम किसान दे रहा है इतना ही गवर्नमेंट पेड करेगी। अब इसका इंश्योरेंस बनता है 1,26,056 रुपये 100% यदि फसल ख़राब होती है, जो कि ऐसा बहुत कम होता है, यानी जितना भी नुकसान होगा वो इसका परसेंटेज के हिसाब से आपको क्लेम कंपनी के लिए आप दावा कर सकते हैं या कंपनी आपको दे सकती हैं। अगर आप बीमा कराना चाहते हैं 2 हेक्टर का, तो देखिए आपका कैलकुलेट हो जाए ओके आएगा ये 12,605 रुपये। और अगर आप फसल लेते हैं दूसरी गेहूँ, तो गेहूँ के लिए यदि आप 1 हेक्टर में बीमा करवाते हैं तो फसल को आपको 755 रुपये आपको पेड करने होंगे, और 755 रुपये आपको 755 रुपये आपको पेड करने होंगे, और यहीं पर 1,259 रुपये आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी आपके बीमे के लिए। और आपका अगर फसल 100% ख़राब होती है तो इसका इंश्योरेंस होता है 50,379 रुपये।
आगे ले चलते हैं दूसरी फसल कैलकुलेशन, दूसरी फसल का कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप बीमा कराना चाहते हैं मस्टर्ड का, एक हेक्टर का मस्टर्ड का बीमा कराने के लिए आपको प्रीमियम पेड करना होगा 1068 रुपये, और यहीं पर गवर्नमेंट आपके लिए देगी 1780 रुपये, और इसका जो क्लेम बनेगा वो 71,227 रुपये क्लेम बनता है। नेक्स्ट फसल है इसबगोल। अगर आप इसबगोल का बीमा कराना चाहते हैं एक हेक्टर में, तो एक हेक्टर के लिए आपको जो प्रीमियम देना होगा वो होगा 3451 रुपये, और इसके लिए गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई आपके लिए चार्ज नहीं करेंगी, और इसका जो 100% क्लेम होगा वो 86,281 रुपये होगा। तो ये था कुछ प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, और ऋणी किसान जो है उनका बीमा बैंक करेगा। अगर ऋणी किसान अपना बीमा नहीं करवाना चाहते हैं तो वो 24 तारीख तक उनको लिख के देना होगा कि वो बीमा नहीं करवाना चाहते हैं और अपनी फसल में परिवर्तन करवाना चाहते हैं, तो 31 तारीख से 3 दिन पूर्व तक वो फसल परिवर्तन का प्रार्थना पत्र लिख के दे सकते हैं। जो भी किसान गैर ऋणी हैं और जिन्होंने ट्यूबवेल इजारे पर ले रखे हैं वो 31 दिसंबर तक ग्राहक सेवा केंद्र और सिम के माध्यम से अपना बीमा करवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।